हरे कृष्णा फ्रेंड्स, आज हम आपको कान्हाजी के लिए डिज़ाइनर ड्रेस बनाना सिखाएंगे। इस ड्रेस को बनाने के लिए बुकरम के ऊपर हमने इस तरह की एक शेप कट की है और इसके एक साइड पे हमने कपड़ा पेस्ट कर लिया है। इसके बाद डिज़ाइन करने से पहले हम इसकी चोली अटैच करेंगे। चोली बनाने के लिए 3.5-3 इंच की 2 स्ट्रिप कट की हैं। इसके हमने एक साइड पर पाइपिंग लगाई है और सेंटर में गोटा लगाया है और इसके सेंटर में हाफ तक हमने सिलाई लगा दी है। इसके बाद हम इसे फोल्ड करेंगे और इस तरह इस साइड पे बाजू की सिलाई लगाएंगे। इसी तरह दूसरी साइड पे भी लगाएंगे और चोली को घेरे के साथ अटैच कर देंगे। देखिए, चोली अटैच कर ली है। इसके बाद हम इसके साथ का कपड़ा लेंगे, इसे स्क्वायर में कट कर लेंगे। इस तरह हम इसे फोल्ड करेंगे, एक और फोल्ड करेंगे और एक इस साइड से फोल्ड करेंगे। अब इसे हम बी की शेप में बना देंगे और इस साइड से कच्चा कर देंगे। कच्चा करने के बाद हम इसकी ऊपर से राउंड शेप देके एक छोटी सी पत्ती कट कर लेंगे। हमने इस तरह बहुत सारी पत्तियां तैयार कर ली हैं। इसके बाद हम ड्रेस लेंगे अपनी। इस पे हम जो हमने इस साइड पे शेप कट की थी, इसके ऊपर इस तरह का पैच वाला फ्लावर लगाएंगे। की शेप ड्रॉ करेंगे। देखिए, इस साइड पे हमने ये लीव्स लगा ली हैं। इसके बाद ये जो ऊपर का पोर्शन है, इस पे हम इस तरह लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए, हमने ऊपर लैस लगा ली है और इस साइड पे हमने नकाशी के साथ इसे फिल कर लिया है। उसके बाद हम इस तरह की लीव्स लेंगे और इनके ऊपर ऊपर लगाएंगे कॉर्नर कॉर्नर पे। देखिए, हमने ऊपर लीव्स लगा ली हैं। ये हमारे कृष्ण जी के लिए ड्रेस बनकर रेडी है। ये हमने छोटे कान्हा जी के लिए बनाई है, 1 से 2 नंबर के कान्हा जी के लिए। अगर आप बड़ी बना रहे हैं तो साइज़ बड़ा कट कीजिएगा। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।